और मैं हूँ छाया देवांगन और आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। आइए चलते हैं आज की खास खबर के साथ। यूपीएसएसएफ यूपी में नई फोर्स का गठन, बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार और ले सकती है तलाशी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में यूपीएसएसएफ के गठन का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद योगी सरकार ने 3 महीने के अंदर यूपीएसएसएफ के गठन का निर्णय लिया है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही प्रथम चरण के 5 बटालियन गठित की जाएगी। इसके लिए कुल 1913 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इस विशेष सुरक्षा बल की असीमित शक्तियां भी दी जाएगी। इस विशेष सुरक्षा बल को अपनी ड्यूटी स्थल पर बिना किसी वारंट के किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार और तलाशी लेने का अधिकार होगा। यह बल प्रदेश में हाईकोर्ट, जिला न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय व परिसरों पर, तीर्थ स्थलों, मेट्रो रेल, हाईवे, अड्डा, बैंक और अन्य वित्तीय, शैक्षिक और औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा करेगा। सूत्रों ने बताया कि विशेष सुरक्षा बल के 5 बटालियन के गठन पर कुल 1747 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित हैं। इनमें वेतन, भत्ते व अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाएं।